सन 1971 के युद्ध में भारतीय सेना की जीत का स्मरण करते हुए 3 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की अमर ज्योति से 4 विजय मशालों को प्रज्वलित कर देश के विभिन्न भागों में भेजा जा रहा है। दक्षिण भारत के लिए विजय मशाल ने 29 जनवरी 2021 को सुबह 8:30 बजे अहमदनगर में प्रवेश किया। विजय मशाल को घुड़सवारों, साइकिल सवारों और धावकों की आर्म्ड क्वचित कोर केंद्र एवं स्कूल के रास्ते यांत्रिक पैदल सेना केंद्र के युद्ध स्मारक में ब्रिगेडियर आरएस रावत वीएसएएम रिटायर्ड जो कि 1971 के युद्ध में शामिल थे उनको सौंपा गया। तत्पश्चात विजय मशाल को युद्ध स्मारक में स्थापित कर ब्रिगेडियर विजय सिंह राणा VSM कमांडेंट यांत्रिक पैदल सेना केंद्र और 1971 के वयोवृद्ध योद्धाओं ने 1971 के वीर सेनानियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यवाही का मुख्य आकर्षण MIRC में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बांग्लादेश के सैन्य अधिकारी द्वारा युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करना रहा। विजय मशाल युद्ध स्मारक में 4 फरवरी 2021 तक स्थापित रहेगी। इस कार्यक्रम को विस्मरणीय बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें से मुख्यतः सैन्य युद्ध उपकरणों की प्रदर्शनी और युद्ध दिग्गजों का सम्मान सम्मिलित है। ATV न्यूज़ अहमदनगर।